हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो क्लास हाई क्लास 3। सो एज इन अवर प्रीवियस वीडियो क्लास वी सीन अवर पोएम द स्विंग। यस, हमने द स्विंग पोएम कंप्लीट कर दी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सेवेंथ टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर आई विल टेल यू विच पिक्चर इज अबाउट, दिस पिक्चर इज अबाउट द कार विच वेयर कॉट इन द फायर। यस, दिस इज वन टाइप ऑफ कार, और यू मे से दिस इज द वैन एंड दिस वैन इज कॉट इन द फायर। सो ये कार के अंदर, इस वैन के अंदर आग लगी है। सो डेफिनेटली आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे टू बी करेजियस, किस तरीके से हमें करेजियस होना चाहिए, मतलब ब्रेव होना चाहिए। यस, हीरोइक एक्ट करने वाला कैसे बनना चाहिए वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, सो द टॉपिक्स नेम इज द ब्रेव हार्ट फ्रॉम आजमगढ़। ओके, सो लेट्स सी एग्जैक्टली व्हाट इज इन दिस टॉपिक। So as you can see dear students here, this is the whole summary of our topic, the Braveheart from Azamgarh. This is very short topic. As we can see, this is one type of unseen passage. Okay, so इसे हम unseen passage की तरह भी treat कर सकते हैं. So now we have to go towards our part. What is exactly in this topic? ओके स्टूडेंट्स, सो मैं पहले आपको रीड करके बताती हूँ पैसेजेस, और उसके बाद में उसका मीनिंग समझा कर बताऊँगी। ओके, सो इट वॉज अ रेगुलर मॉर्निंग फॉर ओम प्रकाश यादव, द 10-year-old सन ऑफ अ फार्मर रेसिडिंग इन आजमगढ़ विलेज इन उत्तर प्रदेश। He boarded his school van and was on his way to school along with 8 other children. Suddenly, the van they were traveling in caught fire. The fire started due to a short circuit in the gas kit. Within seconds, the van resounded with frightful screams of little children. To the utter amazement of the children in the van, the driver opened the door and fled to save his life. But Om Prakash broke open the door and started pulling the others out, putting his own life in danger. In the meantime, the flames had spread to his arms, ears and face. He managed to save all 8 children. For this brave act, he received the Sanjay Chopra Bravery Award from the Prime Minister Dr. Manmohan Singh on January 26, 2012 in Delhi. A role model for all his friends and other villagers, Om Prakash has made his family proud with his heroic act. Om Prakash's father, Lal Bahadur, has mixed feelings about the event. On one hand, he is overjoyed at his brave son's fame, but on the other hand, he is saddened by his son's injuries and pain. I am very proud of my son. It is because of his selfless act of bravery and I got the opportunity to visit Delhi. I had not known the world outside my village, is what he has said, what he has to say. Om Prakash's right arm is stuck to his chest. He has severe burn injuries on his face and ear. He has also lost a year of school. Despite all this, the little boy amazed us with his courage.
When asked whether he would put his life in danger if caught in a similar situation again, he says, yes, every time. Okay, so this is our topic. बट आई थिंक आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें समझाती हूँ. थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया ही होगा कि फायर, यहाँ पे वैन को आग लगी है, यहाँ पे एक लड़के की फ़ोटो है, तो एग्जैक्टली ये क्या बताना चाहता है. और टॉपिक का नाम है द ब्रेव हार्ट फ्रॉम आज़मगढ़. तो आज़मगढ़ का ब्रेव हार्ट, वो जिंदा दिल इंसान था कौन एग्जैक्टली, इतना ब्रेव पर्सन कौन था? वो डेफिनेटली ओम प्रकाश यादव था. ओके, सो ओम प्रकाश कौन था? ओम प्रकाश 10 साल का लड़का था, एक फार्मर का बेटा था. और ये कहाँ पे रहता था? ये आज़मगढ़ विलेज में रहता था. और आज़मगढ़ कहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स? ये उत्तर प्रदेश में है. कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है. तो एक दिन ऐसे ही ओम प्रकाश यादव रेगुलरली जैसे स्कूल जाता था, वैसे ही वो आज भी अपने स्कूल वैन से स्कूल जाने लगा था. तो क्या हुआ? ही बोर्डेड हिज स्कूल वैन एंड वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल अलॉन्ग विथ 8 अदर चिल्ड्रन. इस वैन के अंदर खुद ओम प्रकाश यादव और उसके साथ 8 और बच्चे स्कूल की वैन में जा रहे थे उस दिन. तो क्या हुआ? सडनली द वैन दे वेयर ट्रैवलिंग इन, जिससे वो जा रहे थे, जिस वैन से जा रहे थे, उसमें अचानक से आग लग गई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. देन व्हाट हैपन? द फायर स्टार्टेड ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट इन गैस किट. जो गैस किट होती है वैन की, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया. शॉर्ट सर्किट का मतलब जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आने के वजह से उसके वायर्स वगैरह टूट जाते हैं और उस वजह से क्या होती है, आग लग जाती है वैन में. तो एग्जैक्टली वही हुआ, जो वैन थी उसका शॉर्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किट होते ही गैस किट के अंदर शॉर्ट सर्किट होने के बाद में डेफिनेटली आग लगना लाजमी था. ओके, तो गैस किट का जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लगना शुरू हो गई वैन में. उसके बाद क्या हुआ? विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में क्या हुआ? द वैन रिसाउंडेड विद फ्राइटफुल स्क्रीम्स ऑफ लिटिल चिल्ड्रन. जोर जोरों से आवाज़ आने लगी छोटे छोटे बच्चों की वहाँ पे. रिसाउंडेड का मतलब होता है मेड अ लाउड और एकोइंग साउंड. इतने जोर जोरों का वहाँ पे आवाज़ हो रहा था और ये आवाज़ किसका था? उन 8 चिल्ड्रन का था जो वहाँ पे उस वैन से उस दिन स्कूल जा रहे थे. तो उस वैन में जब आग लग गई तो फिर बाद में क्या हुआ? टू द अटर अमेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द वैन. जो बच्चे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे वैन के अंदर, तो उस वजह से क्या हुआ? द ड्राइवर ओपन द डोर एंड फ्लेड टू सेव हिज लाइफ. उसने क्या किया? उस वैन के अंदर जो बच्चे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे बचने के लिए, तो उन बच्चों की आवाज़ को सुनते हुए उसने, उस वैन ड्राइवर ने क्या किया? उस वैन ड्राइवर ने उस वैन से, जो वैन में जो आग लगी थी, उस वैन से उसने छलांग मार दी और ख़ुद की जान उसने बचा ली. मतलब उसने सेल्फिशनेस दिखाई यहाँ पे और ख़ुद की लाइफ को सेव किया. He saves his life only, but he didn't bother about the 8 children and the Om Prakash Yadav means 9 children were there. Okay, तो उसके बाद क्या हुआ? But Om Prakash broke open the door and started pulling the others out, putting his own life in danger. तो जो ओम प्रकाश यादव नाम का जो 10 साल का लड़का था, जो आज़मगढ़ का रहने वाला था, आज़मगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, तो उस ओम प्रकाश यादव ने क्या किया? उस जो वैन की खिड़की थी उसे ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया. और तोड़ने के बाद एक के बाद एक उन लड़कों को वहाँ से बाहर फेंक दिया. ओके, तो बाहर फेंक दिया, लेकिन उसने अपनी जान की वहाँ पे परवाह नहीं की. उसने 8 अदर जो चिल्ड्रन थे वहाँ पे, उनकी लाइफ बचाना उसने प्रायोरिटी समझा था, पहले उसे प्राधान्य दिया था. उसके बाद क्या हुआ? इन द मीन टाइम,
उसी वक्त द फ्लेम हैड स्प्रेड टू हिज आर्म्स ईयर्स एंड फेस। वो जो आग लगी थी, वो आग की लपटें जो थी, उस आग की जो लपट थी, जो आग की तेज लपटें थी, वो क्या हो गई, स्प्रेड हो गई, मतलब उसके आर्म्स पर लगी, उसके कांधे पर लगी, आर्म्स पर लगी, उसके बाद में उसके जो ईयर्स थे, उसके ईयर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके ईयर्स जल गए, और उसके बाद में उसका फेस भी जल गया था। इस तरीके से मतलब उसने खुद की जान की परवाह नहीं की वहाँ पे, उसने उस 8 चिल्ड्रन की वहाँ पे परवाह की, और उसने सोचा कि मैं इस वैन के अंदर तो हूँ लेकिन यहाँ पे और 8 चिल्ड्रन और हैं, तो उनके लाइफ भी बचाना उसने लाजमी समझा, क्योंकि अब ड्राइवर भी नहीं था यहाँ पे। तो उसने क्या किया, कार की जो डोर थी उस डोर को तोड़ा, और एक के बाद एक वहाँ से जो 8 बच्चे थे, 8 बच्चों को उसने कार की वैन के बाहर खिड़की से फेंक दिया। उसके बाद में उसके जो आग की लपटें थी, उस वैन की जो आग की लपटें थी, उसकी वजह से उसके आर्म्स जल गए, उसके ईयर्स जल गए, उसका फेस भी जल गया, और इस तरीके से उसने 8 बच्चों की जान बचाई। कितने बच्चों की जान बचाई, 8 बच्चों की जान बचाई। फॉर दिस ब्रेव एक्ट, इस ब्रेव एक्ट के लिए उसे क्या मिला, ही रिसीव्स द संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑन जनवरी 26, 2012 इन दिल्ली। जब दिल्ली में मतलब लाल किले से जब प्राइम मिनिस्टर ध्वजारोहण करते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त को, तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये टाइम कब का है, 2012 का है। ओके, तो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसे अवार्ड दिया है, ये अवार्ड मिला है ओम प्रकाश यादव को। किसके लिए मिला है ये अवार्ड, क्योंकि उसने 8 बच्चों की उस जलती हुई वैन से जान बचाई थी, और उसके लिए उसे कौन सा अवार्ड मिला, उसे संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड मिला। और ये किसके हाथों से मिला, प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों से मिला, और कब मिला, ऑन जनवरी 26, 2012 इन दिल्ली। ओके, उसके बाद अ रोल मॉडल फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स एंड अदर विलेजर्स, ओम प्रकाश हैज़ मेड हिज फैमिली प्राउड विथ हिज हीरोइक एक्ट। तो ये जो उसने धाड़सी कृत्य किया था, इसकी वजह से, किसने किया था, ये ओम प्रकाश ने किया था, तो इसके वजह से जो उसके फ्रेंड्स थे और जो विलेज के लोग थे, वो सब उसे हीरो मानने लगे थे, और उसके बाद में उसकी जो फैमिली थी, फैमिली को भी बहुत ही प्राउड फील हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसे संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड दिया 26 जनवरी 2012 को दिल्ली में, क्योंकि उसने 8 बच्चों की जान सेफली बचाई थी, खुद की जान की परवाह किए बिना, जबकि उसके आर्म्स ईयर्स फेस जल चुके थे उस आग की फ्लेम की वजह से। Then what happened? ओम प्रकाश फादर लाल बहादुर, ओम प्रकाश के फादर कौन थे, उनका नाम था लाल बहादुर। ओके, सो लाल बहादुर हैज़ मिक्स्ड फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग मतलब वहाँ पे उन्हें खुशी भी थी, ही हैव द हैप्पीनेस एंड ही हैव द मिजरेबल सिचुएशन ऑल्सो, मतलब उन्हें वहाँ पे दुख भी था और खुशी भी थी, तो इस तरीके की उनकी फीलिंग थी। तो उन्हें खुशी किस बात की थी, On one hand, he is overjoyed at his brave son's fame, but on the other hand, he is saddened by his son's injuries and pains. उनको खुशी इस बात की थी, overjoyed मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, उनको खुशी इस बात की थी कि उनका बेटा ब्रेव था और उसका नाम ऊँचा हुआ है यहाँ पे, फैमिली को भी प्राउड हुआ है, इस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन उन्हें इस बात का साथ ही साथ दुख भी था कि उसके आर्म्स, उसके ईयर्स, उसका फेस उस आग की लपटों की वजह से जल चुका था। तो इस तरीके की उनकी मिक्स्ड सिचुएशन थी, मिक्स्ड फीलिंग्स थी उनकी। देन व्हाट हैपन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन, मैं मेरे बेटे के बारे में बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, ऐसा कहा मिस्टर लाल बहादुर ने। मिस्टर लाल बहादुर जो
ओम प्रकाश यादव के फादर थे। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस एक्ट ऑफ ब्रेवरी। सेल्फलेस एक्ट मतलब खुद की परवाह किए बिना कुछ करना। तो उसकी जो ये काम था जिसकी वजह से उसने खुद की परवाह नहीं की, क्योंकि आग में तो वो भी था ड्राइवर की तरह, वो भी उस वैन से छलांग लगाकर बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने खुद की परवाह करते बिना उसने 8 बच्चों की जान बचाना प्रायोरिटी समझा। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस एक्ट ऑफ ब्रेवरी दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिल्ली। तो उसका जो सेल्फलेस एक्ट था, मतलब उसने खुदगर्जी दिखाई थी क्या? नहीं, दूसरों के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालने का जो काम किया था, उस वजह से उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। क्या अपॉर्चुनिटी मिली थी मिस्टर लाल बहादुर को, जो फादर है ओम प्रकाश यादव के? तो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो दिल्ली विजिट कर सकते हैं। सो आई हैड नॉट नोन द वर्ल्ड आउटसाइड माई विलेज इज़ वॉट ही हैज़ टू से। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी दुनिया, मेरा विलेज यहाँ तक ही सीमित थी, मेरा जो गांव है वहाँ तक ही सीमित थी, मुझे दुनिया क्या होती है ये एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन जो मेरे बेटे का सेल्फलेस एक्ट था, जो हीरोइक एक्ट था, उसकी वजह से आज मुझे दिल्ली विजिट करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अपॉर्चुनिटी का मतलब किसी को कुछ इस तरीके से देना कि जो कि किसी के लिए एक चांस की तरह हो। ओके, सो इट इज़ अ स्पेशल बेनिफिट। ये एक स्पेशल बेनिफिट या फिर एडवांटेज होता है जो कोई और आपको देता है, ये होता है अपॉर्चुनिटी का मीनिंग। ओके, देन ओम प्रकाश राइट आर्म इज स्टक टू हिज चेस्ट। उसका जो राइट हैंड था वो चेस्ट से स्टक हो गया था, चिटक गया था। He has severe burn injuries on his face and ear. जैसे कि हमने देखा पिक्चर में, उसका फेस जल चुका था और उसके ears भी जल चुके थे। And he also lost a year of school. और उसने एक साल या फिर उससे ज़्यादा का वक्त उसने स्कूल भी मिस कर दिया था, क्योंकि उसे इतनी इंजुरीज हो गई थी। तो उसके बाद में उस इंजुरीज से उसे फिर से ठीक होने के लिए बहुत समय लगा। सो डिस्पाइट ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बावजूद, द लिटिल बॉय अमेज्ड अस विथ हिज करेज। तो इस तरीके से इस सारे घटना के बाद वो लिटिल बॉय, वो बच्चा ओम प्रकाश यादव हमें करेज प्रोवाइड करता है, हमें धाड़स प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से हमें ब्रेव एक्ट दिखाना चाहिए। When asked whether he would put his life in danger if caught in a similar situation again, he says yes every time. तो उसे पूछा गया, उसे ये पूछा गया ओम प्रकाश यादव से, जो 10 साल का बच्चा था, जो आजमगढ़ विलेज में रहता था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जो रहता था ओम प्रकाश यादव, उससे ये पूछा गया कि क्या अगर फिर से एक बार ऐसी ही सिचुएशन आती है आपके सामने, तो क्या आप फिर से ये काम करोगे? तो उन्होंने कहा, डेफिनेटली येस एवरी टाइम आई विल डू लाइक दिस। मतलब मैं ये जो ब्रेव एक्ट मैंने आज किया है, या फिर उस दिन जो मैंने ब्रेव एक्ट किया था, हीरोइक एक्ट किया था, अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आती है या बार बार आती है और ऐसे सिचुएशन में अगर मैं फंसता हूँ, तो डेफिनेटली मैं हीरोइक प्रैक्टिस वहाँ पे दिखाऊंगा, मैं लोगों की जान बचाना अपनी प्रायोरिटी समझूंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा ओम प्रकाश यादव ने। ओके, सो ये है हमारा हीरोइक टास्क। तो इसमें हमने क्या देखा? हमने देखा किस तरीके से करेजियस होना चाहिए, धाड़सी होना चाहिए, यस, धूम दबा के भागने वाला नहीं होना चाहिए। ओके, सो इन दिस वे दिस इज अवर टॉपिक। आई थिंक यू पीपल नाउ अंडरस्टूड। सो दिस इज द वर्ड गैलेक्सी, यू हैव टू राइट दिस वर्ड गैलेक्सी इन योर नोटबुक एज द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। ओके, सो आई थिंक नाउ यू पीपल अंडरस्टूड एग्जैक्टली दिस टॉपिक। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो क्लास वी हैव टू गो टूवर्ड्स अवर लास्ट टॉपिक ऑफ अवर फर्स्ट टर्म, दैट इज
किटन एट प्ले। किटन एट प्ले ये पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ये पोएम। हमारे नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और जो क्वेश्चन और आंसर है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। ओ बो, अरे भैया।